पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी होली टू माई ब्यूटिफुल पीपल एंड अगर आप लोग दोबारा से आए हैं चैनल के ऊपर तो आप सभी लोगों का बहुत बड़ा वाला स्वागत है न्यू आए हैं तो वेलकम यू ऑल ऑन दी चैनल ऑफ ट्रिपल वन ठैरेट जहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ब्यूटिफुल पॉजिटिविटी जहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं सेल्फ लव पता करने की कोशिश करते हैं गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कुछ मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ सो दिस इज आर ब्यूटिफुल फैमिली तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और होली का फेस्टिवल काफी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और जो लोग इंजॉय नहीं करना पसंद करते जैसे मुझे से कुछ लोग जिन्हें नहीं पसंद होली तो उन लोगों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है यार नहीं होता है पसंद कलर्स ऐसे दिखने में कितने खूबसूरत लगते हैं है ना लाइक like, देखो आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पाइल रखी है पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू ये है ब्यूटीफुल सा मैं इसको टच नहीं करूंगी ठीक है ब्यूटीफुल सा रेड गुलाल कलर और ये हमारा प्यारा सा येलो वाला कलर ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों को पता ही है आज का टॉपिक क्या है कि ये होली कौन सा कलर आपके जीवन के अंदर भरने वाली है ये होली आपके जिंदगी के अंदर कौन सा बड़ा चेंज लेके आने वाली है ठीक है इस होली होने क्या वाला है और इस होली के नेक्स्ट सेवन टू फोर्टीन डेज क्या कुछ अच्छा हो सकता है ठीक है क्या कुछ हम अच्छा एक्सपेक्ट कर, तो कर, कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर वन यानी कि इस रेड कलर से आप लोग वन टू करके भी ऐसे भी चूज कर सकते हैं तो दोनों कलर ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दे रखे हैं वन टू करके भी चूज सकते हैं कलर के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं तो पाइल नंबर वन से शुरू करते हैं मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और ये वाले कलर को साइड में रख देती हूँ काज में आप लोगों के सामने ही सफल करने वाली हूं ठीक है चलिए शुरू करते हैं hmm, कमाल ही हो गया मतलब है ना कमाल ही है ना जिन लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है प्लीज मुझे बताना मैं क्यों बोल रही हूं कि कमाल हो गया है नाइट ऑफ कप्स द हेरोफेंट आपकी जिंदगी के अंदर ना शादी ब्याह के चांसेस बहुत बहुत अच्छे खासे वाले बनने वाले हैं ठीक है ठेके? शादी ब्याह के चांसेस बहुत अच्छे खासे बनने वाले हैं और और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताती हूँ ये देखो कार्ड्स भी होली बना रहे हैं अपने ओके <laughs> okay. तो हमारे पास क्या आया है किंग ऑफ सो ठीक है एक कार्ड और ये वाला लेंगे पेज ऑफ 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 हम्म ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉटम द डे क्वीन ज्यादातर लड़कियां देख रही हैं पाइल नंबर को ऐसी बात नहीं है लड़के भी देख रहे होंगे बट तो ज्यादातर जो चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है लड़कियां बहुत ज्यादा देख रही हैं और लड़कियों के मन में चल रहे हैं ना बहुत सारे ब्यूटीफुल से सवाल यार मेरी शादी कब होगी हो सकता है आप लोगों के घर में ना बहुत लोगों की शादी वगैरह हो रही है तो वो चीजें आप लोग ना काफी अच्छे से सोच रहे हो देखने की कोशिश कर रहे हो कि यार भाई हमारे हम मेरी शादी कब होगी और उसकी शादी हो गई उसकी शादी हो गई और सब लोग अपने अपने जिंदगी के अंदर खुश हैं और चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं ये वो सारी चीज़ें और अब आपके ना व्यूवर्स जो देख रहे हैं आपके मन में ये है कि यार मेरी शादी कब होगी तो आप लोगों को बता दूँ कि ये होली का जो त्यौहार आ रहा है ना ये होली का त्यौहार आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्यूटीफुल सा शादी का रंग लेके आने वाला है हो सकता है इस वजह से ही आप लोगों ने ना ये ब्यूटीफुल सा कलर चूज करा था ये रेड कलर चूज करा था क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि रेड कलर सुहाग का भी कलर होता है ठीक है तो हो सकता है आप लोग इसलिए इस रेड वाले कलर को चूज करके बैठे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में है कि यार हमारी भी शादी हो जानी चाहिए अब कुछ अच्छा होना चाहिए हमारी जिंदगी में बहुत हो गया वेटिंग यार तो अगर आप किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या जो भी सिनारियो चल रहा है आपके जिंदगी में अब जो चीज नेक्स्ट आने वाली है जो कलर आने वाला है ना वो आने वाला है शादी का आपकी शादी एक ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन के साथ होने वाली है जो कि काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव होंगे समझदार होंगे पैसे से संपन्न होंगे अपनी बातों से मुकरने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे अपनी आ, फीलिंग्स को इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं करते है, हो सकता थोड़े से इंट्रोवर्ड हैं लेकिन धीरे 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 जब एक्सप्रेस करने पे आते हैं तो पूरा का पूरा प्रपोजल ही दे देते हैं पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है कारण पे ठीक है और आपकी जिंदगी में लाइक like, जो जिन लोगों ने पाल नंबर वन चूज करा है आप लोगों की जिंदगी में ये ब्यूटीफुल मैरिज जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, हो सकता है आप लोगों के घर वालों के पास रिश्ता आए या फिर ये जो पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेशन में है ये पर्सन आपको कोई ब्यूटीफुल सी गुड न्यूज देने की कोशिश करे कि ऐसे ऐसे हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार दोबारा से हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर लेते हैं ठीक है तो वो चीज होने वाली है ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे वीडियो ज्यादा काट नहीं पिक करूंगी मैं थोड़े थोड़े कार्ड्स पिक करूंगी ठीक है तो यहाँ पे क्या आया है हमारे पास टावर और फिर आया स्ट्रेंथ क्योंकि आप लोग ना एक तरीके के टावर मूवमेंट से निकले हो ठीक है हो सकता है आप लोग ना बहुत ही गंदे वाले अपनी लाइफ के फेस से निकले हो आप लोगों ने फुल स्ट्रेंथ के साथ इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी और फाइनली वो समय आ गया है जब आप लोगों की सुनी जाए जब भगवान आपकी सुन रहे हैं जब एंजल्स आपकी सुन रहे हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर अप करने की कोशिश करें क्योंकि बॉटम ऑफ द टेक में बता दू व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ठीक है तो बहुत जल्दी आप लोगों की जिंदगी में शादी ब्याह का माहौल क्रिएट होने वाला है ठीक है तो पॉल नंबर वन जिन्होंने ब्यूटीफुल सा ये रेड कलर चूज करा था ना आप लोगों की शादी ब्याह की शहनाइयां बजने वाली हैं इस होली के बाद शादी ब्याह के सिनेरियोस बहुत अच्छे से गूंजने वाले हैं ठीक है चलिए एंजल्स के मैसेजेस भी चेक इन कर लेते हैं हम लोग क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस और एंजल मैसेजेस ओके योर हार्डवर्क इज पिंग ऑफ बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला कि आप इस इस फेज से निकल के इस फेज में आए हैं देखो काज कितने अपने आप में रेजोनेट हो रहे हैं तो ये जितना भी आपने मेहनत करी है जितना सब कुछ आपने सहा है ना उन सब चीजों का अंत होने वाला है और ब्यूटीफुल तरीके से अंत होगा ठीक है कम्युनिकेशन इज अ की आपके पर्सन आते हैं तो बात अच्छे से करें चीजों को क्लियरअप क्लियर अप करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से एंड फिर हमारे पास है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगे तो बहुत खूबसूरत सी एक न्यू रोमांटिक साइकिल क्रिएट होने वाली है आप लोगों के बीच में और सब कुछ ब्यूटीफुल तरीके से होने वाला है गाइस ठीक है सो so, ये थे आप लोगों की रीडिंग आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल गाइस एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो होता है जिंदगी में खूबसूरती के लिए हमारी बेहतरी के लिए हमारे डेवलपमेंट के, के लिए होता है तो उस चीज को गले लगाएं निग्लेक्ट ना करें मोर ओवर पॉजिटिविटी को अपनाएं आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं गाइज अच्छे से सेफ से तरीके से खेलिए और किसी को परेशान ना करिए और अपनी सेहत का अपने टेम्पल का भी पूरा ध्यान रखिए किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग लोग मेल uh, कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होली का ऑफर तो टू जिन लोगों ने सा, सा, येलो कलर चूज करा था चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या निकलने वाली है जिंदगी में नया क्या आने वाला है चलिए चेक इन करते हैं मन में गायत्री मंत्र पढ़े और ये होली क्या लेकर आने वाली है आप लोगों के लिए चेक करते हैं ये होली क्या लेकर आ रही है पायल नंबर टू पीपल्स के लिए नाइन ऑफ कार्प्स ब्यूटीफुल थ्री ऑफ सो ओके टू ऑफ पेनिकल्स एंड एस ऑफ कार्प बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्स ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं दो लोगों के बीच ऐसी सिचुएशन हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है आ, सोच रहे हैं कि पता नहीं सब चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी दो परिस्थिति के बीच में आप लोग झूल रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो लोगों के बीच में झूल रहे हैं कि कौन सही है मेरे लिए और कौन गलत है किसको चूज़ करूं किसको ना करूं ठीक है ये चीज़ें हो सकती हैं आप आप लोगों के दिमाग में चल रही हो और जूडिय सैड शायद मैंने पहले नंबर वन में भी नहीं बताया तो मैं इसमें भी नहीं बता रही हूँ ठीक है और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ये होली का त्यौहार आपकी किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट को क्रिएट करने वाला है आप लोगों के सामने रियलिटी रियल फेसेस ऑफ लाइफ आने वाला है, रियल फेस ऑफ पीपल आने वाला है जिन भी लोगों के ऊपर आप विश्वास करते हो तहे दिल से उन लोगों का सच आप लोगों के सामने आने वाला है जिन भी लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो अंधा विश्वास करते हो उन लोगों का सच आप लोगों के सामने आएगा ठीक है ये सच अच्छा भी हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं ये सच अच्छा भी हो सकता है ये सच बुरा भी हो सकता है दोनों ही चीजें ठीक है थीके? दोनों ही चीजें हैं ये चीज अच्छी भी हो सकती है ये चीज बुरी भी हो सकती है ठीक है अब ये जो चीज होगी जो सच सामने आएगा ये ब्यूटिफुलनेस भी क्रिएट कर सकता है और बहुत बिटर ट्रुथ भी लेकर आपके सामने आ सकता है तो वो चीज होने वाली है दूसरी चीज अगर मैं थोड़ा सा करियर क्योंकि करियर का भी कार्ड है यहां पे तो करियर में आप लोगों को बता दूँ एक तरीके की ब्यूटिफुलनेस आने वाली है कोई बिग अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छा खास होने वाला है आप लोगों के लिए एंड कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोग काफी ज्यादा खुश भी होंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी विश फुलफिलमेंट हो गई है और काफी समय से शायद मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था या कर रही थी और फाइनली ये हो गई है ठीक है ऐसा कुछ भी होने वाला तो आप लोगों को ना काफी ज्यादा गुडविल सा महसूस होगा आपको काफी ज्यादा ना अच्छा सा महसूस होगा इस चीज को क्रिएट होने के बाद ठीक है जी तो वो चीजें भी होने वाली है गाइस तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है सब कुछ बस थोड़ा सा मेरे को जो दिल दुखाने वाली चीजें लग रही हैं कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों के फेसेस सामने आएंगे जो कि काफी ज्यादा भयानक हो सकते हैं दिल को तोड़ के रख देने वाले हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है ठीक है चलिए कुछ कार्ड और देखेंगे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को कम ही कार्ड्स लेंगे बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे इतना ज्यादा लंबा करके उसको खींचने की कोशिश नहीं करेंगे ठीक है डमैन एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ वही वाली बात जो चीज मैंने आपको बोली कि कुछ ऐसे लोगों के चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे कि आप सोचना समझना अच्छे से चालू कर दोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है और आप लोगों को बता दो येलो इज ऑल्सो फॉर अ स्ट्रेंथ है ना येलो इज ऑल्सो फॉर अ पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ वैसे तो हर कलर कुछ कहता है और येलो कलर के बहुत सारे मीनिंग्स में से एक ये भी मीनिंग है कि ये कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ को बताने की कोशिश करता है मोर ओवर ब्राइटनेस पॉजिटिविटी को बताने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों की आंखें खुलने वाली है जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी लेकिन दिल टूटने के थोड़े से चांसेस है जिसकी वजह से आप लोग हैंग्ड हो सकते हो ठीक है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन इस बुरे फेज के बाद ही आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कुछ बड़ा बिग क्रिएट कर पाओगे ठीक है चलिए आप चेक करते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस <coughs> ये कार्ड ये कार्ड ओके सो वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट यानी जो कुछ भी होने वाला है वो एनर्जीज क्रिएट होनी शुरू हो गई है फेत रखें पॉजिटिविटी को मेंटेन करें मेडिटेट करें टेंशन नहीं लें सब कुछ अच्छा होगा ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हटके था तो इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है सो अवेल इट डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी डिटेल्स मेंशन है एंड मोर ओवर हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू आप लोग एक सेफ ब्यूटीफुल होली खेलें जिसके अंदर किसी को परेशान ना करें और खुद के टेम्पल का भी यानी खुद की बॉडी का भी ध्यान रखें बहुत सारा प्यार